और गांधी दर्शन और सतत विकास, गांधीयन फिलॉसफी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने शोध कार्य भी किया है। तो ऐसे में संक्षेप में जो विषय का प्रारंभिक परिचय है मैं देना चाहता हूं। जो विषय रखा गया है गांधीयन फिलॉसफी और कम्युनल हार्मनी, मुझे लगता है वर्तमान विश्व को सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर यदि आवश्यकता है तो वह है कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द। हम कहते हैं कि क्या करने आए, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे अच्छे तो वो आजाद पंछी जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज हम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की जगह सांप्रदायिक कट्टरता ने ले लिया है, कहीं तालिबान, कहीं ISIS, हमारे चारों ओर विश्व के सभी महाद्वीप आज अस्थिर नजर आते हैं और उसके केंद्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धर्म भी है। तो ऐसे में जो सर्वधर्म समभाव की बात महात्मा गांधी जी ने कही है वो ना सिर्फ वर्तमान में बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सर्वकालिक रूप से प्रासंगिक बन जाती है। ऐसे में हम सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के ध्वजवाहकों और सिपाहियों का, सामाजिक सरोकार रखने वाले शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि इस विषय पे चिंतन करें, मंथन करें और उस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आप सभी का इस विमर्श में स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित, सर आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, आपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति आपका स्नेह जग जाहिर है, हम आपके आभारी हैं सर। और इसी के साथ आपको आमंत्रित करते हैं सर आज गांधी दर्शन और सांप्रदायिक सौहार्द विषय पर आपके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, माननीय प्रतिकुलपति महोदय, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। Am I audible? Yes, sir. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 152 जयंती के अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े NSS कोऑर्डिनेटर राहुल जी, NSS प्रोग्राम ऑफिसर, वॉलेंटियर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो NSS कोऑर्डिनेटर के रूप में एक युवक शिक्षक के नाते और वो राष्ट्रीय सेवा योजना को बहुत तेजी से आगे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, वो बड़ी ही दिलचस्पी से उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कम समय में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजिंग क्षमता को देखकर मैं खुद कभी कभी अचंभित होता हूँ। मैं यह भी देखता हूँ कि उनका राष्ट्रीय सेवा योजना से कितना ज्यादा लगाव है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह क्षमता उनमें बरकरार रहे, कि ये अपने समय में अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय सेवा योजना के सारे कार्यक्रम को करवाएं, समय समय पर पदाधिकारियों को निर्देशन दे और साथ साथ उससे हमारे विश्वविद्यालय का मान काफी आगे बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसलिए यह जो है इसमें रहकर के मुख्य कोऑर्डिनेटर के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं उससे न सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम बढ़ेगा बल्कि राहुल जी को भी लोग याद रखेंगे एक अच्छे कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी के बारे में मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से न सिर्फ भारत को आजाद कराया बल्कि साथ ही साथ उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। इसलिए यह कहा जाता है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा जो है वो किसी तलवार से कम नहीं थी और उन आवश्यकता अभी के समाज में जहाँ बहुत सारा जो समाज में विसंगतियां पाई जाती हैं, बुराइयां आ गई हैं, उसे समाप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा को अस्त्र के रूप में हम अपना सकते हैं। गांधी जी की विचारधारा, उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी न सिर्फ जीवंत हैं बल्कि साथ साथ प्रासंगिक हैं। इसलिए गांधी जी के विचारों को अपनाने की जरूरत है और उनके विचारों को अपनाकर
एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण, स्वस्थ समाज का निर्माण तथा मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। गांधी जी के जीवन को अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे हम कह सकते हैं, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया और एक सौहार्द की भावना समाज में बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस पर काफी जोर दिया है। उन्होंने आज इसी भावनाओं, इन्हीं विचारों से ओतप्रोत होकर के जो हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो यह कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यह इस गांधी जी के सिद्धांत पर ही आधारित है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, छुआछूत को समाप्त करो, सभी समाज के चाहे किसी जाति का हो किसी वर्ग का हो वो सभी एक समान है। और उसी सिद्धांत को हम यह कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा जो बुलंद किया जा रहा है, इन्हीं भावनाओं को ओतप्रोत के कारण है। आप जब 1934 की बात करेंगे तो 1934 की घटना जो है बिहार के लिए है ना, वो काफी यादगार घटना है, इसलिए कि 1934 में बिहार में भूकंप आया था और गांधी जी ने वहाँ के बिहार राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया जिसमें मुंगेर भी जिला शामिल है ना, आरा भी शामिल है, उधर मधुबनी, दरभंगा, इन तमाम क्षेत्रों में जहाँ से भूकंप में ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे गांधी जी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया। और जो सबसे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो ये बताया कि यह भूकंप जो है अस्पृश्यता और छुआछूत जैसे पाप का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिस इज द आउटकम ऑफ अनटचेबिलिटी, जो बात बड़ी ही ध्यान देने योग्य है। मैं आपको बताऊं कि आरा में कोयलवर के आसपास में जरीरा एक गांव है, आए हुए थे लोगों ने निमंत्रण दिया गांधी जी को कि एक मंदिर का निर्माण करना है, मंदिर का उद्घाटन करना है। उस महात्मा गांधी जब उस मंदिर में गए तो साथ साथ अपने साथ दलितों को लेकर के गए और उस मंदिर का जो है उद्घाटन किया और यह समाज को ये ऐसा कर करके यह संदेश देना चाहते थे कि दलित से जो तुम छुआछूत करते हो है ना, वो ठीक बात नहीं है ना, इन्हें भी पूजा पाठ करने का वही अवसर प्राप्त होना चाहिए जो समाज के उच्च वर्ग के लोगों का है। गांधी जी के जो विभिन्न विचारधारा है उसमें आप देखेंगे कि स्वावलंबन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्वावलंबन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने है ना, और कोई दूसरे पर आधारित नहीं हो। इसके लिए उन्होंने खादी को हथकंडा बनाया, खादी पर जोर दिया और साथ ही साथ जो ग्राम उद्योग है, ग्राम उद्योग का मतलब छोटे छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, जैसे चटाई बुनने का काम, गुड़ बनाने का काम है ना, कुल्हड़ बनाने का काम, बढ़ई गिरी, लोहार गिरी है ना, इसको हम लोग बुनियादी शिक्षा के रूप में भी कह सकते हैं। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर भी काफी जोर दिया, मैंने पढ़ाई के साथ साथ उसे काम का अवसर मिले। और उसी के लिए अभी जो स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है वह बुनियादी शिक्षा का ही एक प्रकार का एक्सटेंशन है, जो उनका यह था कि सभी छात्र जो है केवल पढ़े नहीं बल्कि साथ साथ अपने जीविका उपार्जन का भी उपाय सीखे। तो जो स्किल डेवलपमेंट की बात आई है गांधी जी के उन्हीं विचारों का एक्सटेंशन प्रोग्राम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं यह गांधी जी के स्वावलंबन के विचारों का ही एक्सटेंशन है, जो उन्होंने कहा कि सभी को स्वावलंबन, सभी को काम मिले। आज हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एमएसएमई जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उस पर जो है वो ज्यादा जोर दे रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं है ना, उससे ज्यादा लोगों को काम नहीं मिल सकता। गांधी जी के जीवन को अगर हम पढ़ें तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने स्वच्छता पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्वच्छ समाज नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में है ना, लोग जो है खासकर महिलाएं और बच्चे वो कुपोषण से पीड़ित होंगे
और उनका मृत्यु दर ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने सफाई पर काफी दिया जोर दिया और साथ साथ स्वास्थ्य पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक स्वास्थ्य और स्वच्छ समाज नहीं होगा, सफाई पर जोर नहीं होंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेगी। और जब स्वास्थ्य, जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तब तक उसमें स्वस्थ मन का वास नहीं होगा और उसकी सोच जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकती है। इसलिए यह बात है पूर्ण मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने कहा कि इन्हीं विचारधाराओं से उत्प्रोत होकर के आज जो है स्वच्छ भारत मिशन की बात जो है की जा रही है। और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से है ना, आप ये जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि न तो मोदी और न तो ऐसे सैकड़ों गांधी लग जाए है ना, तो भी जो है समाज का, देश का है ना, वो स्वच्छता अभियान को पूरा नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन लेकिन अगर हम सभी लोग, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ सर आ रही है सर, है ना। लेकिन अगर सभी लोग, अगर 130 करोड़ भारतीय अगर देश की स्वच्छता में आगे बढ़ें, तो पूरे देश को मैंने स्वच्छ जो है वो किया जा सकता है। इसी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है ना, करीब आप जानते हैं कि 10 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है और 55 करोड़ लोगों ने जो है वो खेतों में जिसको बोलते हैं डिफेमेशन या जो शौचालय जाना, उन्होंने बंद कर दिया है। गांधी जी ने गांव के विकास पर है ना काफी जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और आज भी हम लोग जानते हैं कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें सर 67% लोग गांव में ही रहते हैं। इसलिए जब तक गांव में, गांव का विकास नहीं होगा, गांव में उद्योग धंधे विकसित नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है वो भारत का विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो गांव है वह एक अनटैप्ड मार्केट की तरह है। अनटैप्ड मार्केट का मतलब यह है कि अगर हम, ये मेरे दिमाग में है कि केवल शहरों में उद्योग लगा करके या विकास को आगे ले जा करके हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये संभव नहीं है। बिकॉज 67% पीपुल आर लिविंग इन विलेजेस, तो उन्होंने गांव के विकास पर काफी ध्यान दिया। और आज भी जो हमारी भारत सरकार है, राज्य सरकार है, वो गांव में सभी प्रकार की सुविधाओं को, यहाँ तक कि इंटरनेट के भी माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो उद्योग धंधे हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं, वो वहां पर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कि हर हाथ को काम मिले और स्वास्थ्य अच्छा हो लोगों का, लोगों का शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़े। इसलिए गांव के विकास पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है ना, जितना कि शहरों के विकास पर। गांधी जी के जब आप विचार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण पर भी काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला हमारे के समाज का वो सबसे मतलब एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग है ना, जिसको कि लिंग के आधार पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिलाएं जब दोनों मिलकर के आपस में राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे, तो हमारा राष्ट्र निर्माण काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि उस समय लोगों की सोच यह थी कि महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में काम करने के लिए, भोजन बनाने के लिए बनी है। महात्मा गांधी ने इस सोच से ऊपर उठाकर यह कहा कि नहीं, महिलाओं को हर एक क्षेत्र में मतलब उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना होगा, बल्कि सशक्त करना पड़ेगा। सशक्त का मतलब यह, मेरा मतलब इस बात से है कि एजुकेशनली इम्पावर्ड, इकोनॉमिकली इम्पावर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। और यही कारण है कि आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, या पॉलिटिकल क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को अलग से, चाहे ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, नगर पालिका का क्षेत्र हो, सभी में महिलाओं को
एक विशेष रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर बिहार में तो खासकर 50% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को पॉलिटिकल क्षेत्र में दी गई है, जिससे कि महिलाएं ज्यादा सशक्त हों। और महिलाएं चूंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन का, अगर दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्र जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो इनका मोदी जी की जो यह कल्पना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत होगा, तो वैसी परिस्थिति में 5 ट्रिलियन वाला भारत तभी होगा जबकि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान साथ साथ हो। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो अब की जा रही है वह गांधी जी के विचारों का ही एक्सटेंशन है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, गांधी जी ने अंत्योदय की बात करी, अंत्योदय का मतलब अंतिम जो कड़ी में है उसके उदय की बात कही। उन्होंने कि यह बात बताया कि कभी भी अगर आपका मन विचलित हो तो तुम उस समाज के उस अंतिम व्यक्ति में खड़े, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचो, है ना, कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर उसके बारे में जो सोचते हो तो वैसी परिस्थिति में जो काम करोगे, है ना, उससे न सिर्फ उस व्यक्ति का विकास होगा बल्कि साथ साथ राष्ट्र का विकास होगा, है ना। हम यह भी जानते हैं कि जो गांधी जो विचारधारा है उसमें एक बात आती है, गांधी जी के तीन बंदर। गांधी जी के तीन बंदर का मतलब यह हुआ कि ना तो हम बूढ़ा बोले, ना तो हम बूढ़ा देखें, और ना तो बूढ़ा हम सोचे, ना तो बूढ़ा हम सुने। वास्तव में ये जो विचार, उनका जो विचार था, आप समझ सकते हैं कि स्वस्थ भारत के निर्माण में, समाज के निर्माण में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अभी जो प्रोग्राम्स अपनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, वो गांधी विचारधारा का ही एक प्रकार का एक्सटेंशन है या आधुनिकरण है। और मेरा विश्वास है कि अगर 130 करोड़ भारतीय गांधी जी के विचारों को अपनाएं और यह सोच लें कि गांधी की जो विचारधारा है वो पहले से ज्यादा जीवंत हैं, वो पहले ठीक हैं, और उन विचारधारा को अपना करके एक साथ अगर हम आगे बढ़ें तो मेरा विश्वास है कि हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आवाज आ रही थी? हाँ सर, हाँ सर, हम सभी लोग हमें हमें ये कहना चाहिए सर कि बहुत गागर में सागर भरने का कार्य किया सर आपने, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय में, लगभग गांधी जी की सभी उन शिक्षाओं को जो आज के दौर में प्रासंगिक है, हमारे लिए आवश्यक है, और राष्ट्र निर्माण और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, उनका आपने उल्लेख किया। आपने बुनियादी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, कौशल विकास, स्वच्छता, ग्राम विकास, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, अंत्योदय आदि का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि गांधी जी का दर्शन ही आज के सभी कार्यक्रमों का एक तरह से मूल आधार है, उसी का एक्सटेंशन कार्यक्रम के तौर पे आज हम देश में अपने विकास पथ को आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं। निश्चित तौर पे इसी कारण उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। आज इस अवसर पर माननीय प्रतिकुलपति महोदय, आप उपस्थित होकर हम सबके बीच अपनी संक्षिप्त उद्बोधन से हमें लाभान्वित किए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम सभी कार्यक्रम पदाधिकारी जो हमारे बीच जुड़े हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप में से कोई कुछ संक्षेप में कहना चाहता है तो कहीं, अन्यथा चंदन जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर, डॉक्टर वंदा कुमारी ने, मैम ने रिक्वेस्ट किया है बीआरएम वाले से कि वो फिलोसफी के हैं तो उनको अपना बात रखने के लिए समय। निश्चित निश्चित निश्चित, हाँ, तो वो रख सकते हैं अपनी बात। डॉक्टर वंदना कुमारी मैम, नमस्कार। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस, आवाज आ रही है। नमस्कार सभी को। मुख्य वक्ता प्रति कुलपति जवाहरलाल सर,
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनएसएस राहुल जी, सभी कॉलेजों के विभिन्न प्रोग्राम ऑफिसर विद्युत जैन और इस वेबिनार में जुड़े सभी विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे सर ने तो सारे टॉपिक पर विस्तार से इतने संक्षिप्त तरीके से समझा दिया है तो बोलने को कुछ रहा नहीं, पर फिर भी मैं अपनी दो चार बातें कहना चाहूंगी कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना अपने आप में सभी असक्षम ही महसूस करेंगे, क्योंकि वो इतने महान व्यक्तित्व के हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब चंदन को छूते हैं तो उसकी गंध आ ही जाती है, उसी तरह से गांधी का दर्शन पढ़ने से, उनके विचारों पे चलने से कुछ न कुछ तो सुगंध हर एक व्यक्ति में आ ही जाता है। मेरे एमए के पेपर में गांधीयन थॉट एक पेपर था। अन्य विषयों के पेपर पढ़ने में मुझे ध्यान एकाग्र करना पड़ता था, किंतु गांधीयन थॉट पढ़ने में एकाग्रता स्वयं चली आती थी। इसके पीछे मुझे यही लगता है कि सर कि जो विचार होता है अगर हम अपने जीवन में भी उसे उतारते हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले पर स्वाभाविक रूप से पड़ता ही पड़ता है। गांधी जी स्वच्छता की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय नारियों की शुरुआत जो सुबह की होती है उसके हाथ में झाड़ू से ही शुरुआत होती है, वो जब उठती है तो हाथ में झाड़ू लेके ही उठती है। इसके पीछे धर्म यह रीजन देता है कि स्वच्छता से हमारा आंगन जो है साफ रहे तो सुबह सुबह लक्ष्मी जी सभी घर का भ्रमण करती हैं और जहाँ साफ सुथरा रहता है वहां लक्ष्मी जी वास कर जाती हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो हम अगर स्वच्छता पर ध्यान देते हैं तो हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, हमारा वातावरण तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही साथ हमारा मन भी स्वस्थ होता है। और जब मन से स्वस्थ हो तो उसके द्वारा जो काम होगा वो ऑटोमेटिक अच्छा होगा और धन ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। तो गांधी जी स्वच्छता पर महत्व देते हैं। गांधी जी केवल शारीरिक स्वच्छता की बात ही नहीं करते स्वच्छता की, बल्कि मानसिक स्वच्छता की भी बात करते हैं। शारीरिक स्वस्थता स्वच्छता हमारे मृत्यु तक ही है, लेकिन मानसिक स्वस्थता वो कहते हैं स्वच्छता ये हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे साथ जाता है। इसलिए गांधी जी मानसिक और आत्मिक दोनों स्वच्छता की बात करते हैं। अभी जवाहरलाल सर ने विभिन्न धर्मों के सौहार्द की बात की। आप सभी विद्वत जन जानते ही होंगे कि गांधी जी कहते हैं कि एक बगिया में अगर एक ही फूल रहे तो उतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन उसी बगिया में अगर विभिन्न तरह के फूल रहे तो वो बगिया बहुत ही खूबसूरत होगा। गांधी जी इसी विचारधारा के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि सभी के विचार, सभी धर्मों के प्रति हमारी सद्भावना, यही हमारी खूबसूरती है और इसे ही बनाए रखना चाहिए। अभी सर ने स्त्री समानता की बात की, गांधी जी ने इस पर बहुत जोर दिया। आज हम देखते हैं कि कुछ फेमिनिज्म जो है वो स्त्री पुरुष को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, गांधी जी से खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, स्त्री की अपनी विशेषता है, पुरुष की अपनी विशेषता है, और यही विशेषता उसकी खूबसूरती है। हम दोनों को एक दूसरे के खड़ा करके हम विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे गाय दूध देती है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, अब हम गाय और घोड़ा को भिरा दें और दोनों को कहें कि नहीं तुम में ये क्षमता नहीं है, तुम में ये क्षमता नहीं है, तो ये तो क्या कहें, एकदम विपरीत बात हो गया। तो गांधी जी इन्हीं सब मुद्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से, अभी जवाहरलाल सर ने उसको दिखाया, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। राहुल सर, मैं मुनिंद्र कुमार सिंह, प्रोग्राम ऑफिसर आरडीडीजे कॉलेज से, मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। हाँ।
इस वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित ऑनरेबल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर सर डॉक्टर जवाहरलाल सर, इस मुंगेर विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार सर, और इस वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर एवं स्वयंसेवक। हमारे बीच उपस्थित जो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जवाहरलाल सर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातों का उल्लेख किया, जिसमें से एक बात पर मैं जोर देना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और हम कॉमर्स के जो प्राध्यापक हैं इस पर जरूर ध्यान देते हैं। इसके अलावा उन्होंने सारी बातों का उल्लेख किया है, वंदना कुमारी मैम ने भी स्वच्छता में भौतिक और मानसिक स्वच्छता की बात की, उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से अपने दर्शन को उन्होंने रखा, गांधी के दर्शन को रखा। लेकिन आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इसके अलावा बिहार सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है जल जीवन हरियाली, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ही ये लॉन्च किया गया था, और मुझे ये कहना है कि जल जीवन हरियाली के संकट को दूर किए बिना सामुदायिक सौहार्द और विश्व शांति की प्राप्ति नहीं की जा सकती, और गांधी जी का जो फिलॉसफी है वो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्रस्तुत करता हूं कि चिपको आंदोलन आप सभी जानते होंगे, हरियाली को बचाने के लिए ये चलाया गया था, और इसमें जो मार्ग अपनाया गया वो गांधी जी की सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया गया, और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। तो इस जल जीवन हरियाली के संकट को दूर करने के लिए गांधी जी का फिलॉसफी बहुत ही कामयाब है। इसके अलावा हम स्वयं सेवकों को भी जो त्याग की भावना, समाज सेवा की भावना जो सिखाई जाती है, वो भी गांधी जी के फिलॉसफी से काफी मैच करता है, क्योंकि बिना त्याग भावना, बिना समाज सेवा के हम स्वयं सेवक कुछ भी नहीं है। इसके अलावा गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छपा था सत्याग्रह के बारे में, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। सत्याग्रह इज ए फोर्स अगेंस्ट वायलेंस, टायरनी एंड इनजस्टिस। ऑल दिस एविल्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ट्रूथ दैट इज ऑल परवेसिव एंड ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग। देयरफोर गांधी जी सेड, इफ वी वॉन्ट टू स्टार्ट रेजिस्टिंग एविल विद एविल, वायलेंस विद वायलेंस, एंगर विद एंगर, देन वी आर ओनली एडिंग फ्यूल टू द फायर। अर्थात यदि हम हिंसा का हिंसा से, बुराई का बुराई से सामना करते हैं और क्रोध का क्रोध से सामना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं, और सत्याग्रह एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से सबको जीता जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हृदय परिवर्तन करके ही सभी को जीता जा सकता है, और सत्य के पथ पर चलकर हम निश्चित रूप से सारे जीत को हासिल कर सकते हैं, और हम खुद को भी बदल सकते हैं, दुनिया को भी बदल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, धन्यवाद। हाँ चंदन जी, नमस्ते सर, और मैं सबसे पहले इस एनएसएस के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रो वाइस चांसलर सर जवाहरलाल सर का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और राहुल सर जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, कार्यक्रम को शुभारंभ करने की प्रेरणा दी, मैं उनका सबसे पहले आभार और अभिवादन करूंगा उनके लिए। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी वॉलंटियर शामिल हैं और जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर शामिल हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर जो कम्युनल हार्मोनी डे जो मनाया जा रहा है, इस अवसर पर मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है धन्यवाद ज्ञापन की मित्रों, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निदा फाजली का एक गजल है, वो कहते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना। तो ये गजल जिस सेंस में भी कहा गया हो, मगर आप गौर करेंगे कि अगर गांधी जी को आप देखेंगे, या इस प्लेटफॉर्म पर हमने इस वेबिनार में जिस तरह अपने 3 वक्ताओं को सुना है, और राहुल सर ने जिसे जिस तरह कोऑर्डिनेट किया है, उन सबको जैसे जिस रूप में सुना है, उस तरह से गांधी जी का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, उसमें केवल 10-20 आदमी तो नहीं नजर आते हैं, कई सारे व्यक्तित्व नजर आते हैं, और वो सभी व्यक्तित्व बहुत ही दूरगामी सोच वाले हैं,
और मैं उनका इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस कुल रूप को मिला करके राष्ट्रपिता कहलाने के सचमुच अधिकारी हैं। हमारा ये कार्यक्रम जैसे शुरू हुआ था तो हम लक्ष्य गीत से अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और लक्ष्य गीत से जब किसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो उसमें एक पंक्ति है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जो पंक्ति है, आज अगर हम हारमोनी डे के तौर पे ये दिवस मना रहे हैं तो सचमुच ये पंक्ति बहुत प्रासंगिक होती है, और लगभग हमारा जो भी कार्यक्रम शुरू होता है तो इसी उद्घोष के साथ शुरू होता है, इसी गायन के साथ शुरू होता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, और इसमें जितने भी लोग सहयोगी होते हैं, जितने भी वक्ता आते हैं, अपना समय निकाल कर देते हैं, वे जरूर निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबसे पहले मैं राहुल सर के लिए आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। प्रोफेसर साहब ने भी अभी राहुल सर के कार्य को नोटिस किया है, उन्होंने सबसे पहले हमें विषय से परिचित कराया है, उन्होंने विषय से परिचित कराते हुए आज ये बताया है कि जिस तरह विश्व शांति एक मुद्दा है, कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कुछ तो ऐसी हालत में है जो अपने भीतर की सीमा में ही कुछ क्षेत्र विशेष के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से बहुत प्रासंगिक सवाल हो जाता है कि हम इस अवसर को, गांधी जयंती के अवसर को, हम एक हारमोनी डे के तौर पर मनाएं, सद्भाव के तौर पर मनाएं। इसके बाद प्रोफ सर ने, वाइस चांसलर सर ने जिस तरह से अपनी बात रखी, वह सागर में गागर भरने के लिए, मैं कहूँगा एक प्रतीक रूप में सागर में गागर भरने के तौर पर था। उन्होंने जिस तरह गांधी जी के अलग अलग व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा, और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर की प्रासंगिकता के साथ उन्हें जोड़ा, ये बहुत ही अहम था हमारे लिए, क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्तित्व को याद करते हैं तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे आज कितने प्रासंगिक हैं। और आज जिस तरह NSS या हमारी सरकार या हमारा जो समाज जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें गांधी जी के वक्तव्य या गांधी जी के विचार किस हद तक उससे जुड़े थे, और पहले ही बीज रूप में हमारे लिए एक उर्वर जमीन की तलाश कर रहे थे, इस बात को प्रोवाइस चांसलर सर ने रखा है। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और इसके बाद मैं वंदना मैम, जो BRM कॉलेज की कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जब चंदन को छूते हैं तो गंध आ ही जाती है, तो इसी तरह जब गांधी के व्यक्तित्व को हम जानते हैं तो इससे गांधी की जो सत्य, अहिंसा और अन्य जो चीज़ें थी गांधी जी की विशेषताओं में, उनके व्यक्तित्व में, वो चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के करीब आती है। मुनिंद्र सर ने विश्व शांति की बात की, गांधी को याद करते हुए जल जीवन हरियाली की जो जरूरत है आज के समाज में, गांधी जी को याद करते हुए उसे जरूरी माना। समाज में त्याग और सेवा की भावना को मुनिंद्र सर ने जिस तरह रखा, ये बहुत प्रासंगिक था। और एक बात मैं बताऊं अपने NSS के वॉलंटियर्स को, कि कभी भी हमें सेवा के लिए कोई पुरस्कार का आग्रही नहीं होना चाहिए, गांधी जी ने हमें यह सिखाया है। मैं मुनिंद्र सर को सर के वक्तव्य को देखते हुए ये कहना चाहूँगा कि सेवा के लिए निस्वार्थ भावना की बेहद ज़रूरत होती है। मुनिंद्र सर ने अपने वक्तव्य में ये हमें एहसास दिलाया है। कुल मिलाकर कार्यक्रम के समापन के तौर पर मैं सर से आदेश चाहूँगा कि वे आदेश दें हमें कि अब कार्यक्रम के की समाप्ति या संपन्नता को सही पूरी की जाए। मैं सबको, मीडिया कर्मी जो भी हैं और जो वॉलंटियर्स हैं, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी लोग अपना वीडियो बंद कर लीजिए, स्क्रीन पर बैठा इस समाज के लिए स्वयं सजे वसुंधरा सवारी दे, 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 स्वयं सजे वस
सुंदरा